खबर यूपी के अमेठी से है। आज भारत बंद पर किसानों ने इन्होना चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और काले कानून वापस लो जैसे नारे लगाते हुए पूरे चौराहे पर घूम घूम कर सरकार के कृषि विधेयक बिल का विरोध किया तथा अमेठी के इन्होना में प्रदर्शन के दौरान 80% दुकानें भी विरोध में बंद रहीं तथा किसानों ने उप जिलाधिकारी तिलोई महात्मा सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं पर इस बिल के खिलाफ चौधरी सऊद पूर्व प्रधान व किसान नेता सियाराम दत्त मिश्रा अब्बास फौजी पूर्व प्रधान लतीफ इजहार खान नंद कुमार पांडे रबी उल्ला सहित किसान यूनियन के नेता मौजूद रहे। रिपोर्टर राकेश कुमार की रिपोर्ट। भारत बंद पे आज आप लोग किस तरह कार्यक्रम अमेठी में कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक एक किसान को एक एक दुकानदार को जागरूक कर रहे हैं कि जो काला कानून बीजेपी सरकार ने तानाशाही सरकार ने पारित किया है हम उसके विरोध में हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कठपुतली बनाना चाह रही है सरकार हमको अंबानी अडानी के हाथों हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार तो बिक चुकी है, हम किसान को बेचना नहीं चाहते। और आगे कार्यक्रम क्या है? अभी हम तो जागरूकता का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद करके कंधे से कंधा मिला करके किसानों की आपदा में सड़क पर पे आएँ और उसके बाद अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं सामने।